हम अपने ग्राफ को कुछ इस तरीके का कंसिडर करें दैट यू टेक टाइम अलोंग द एक्स एक्सिस बेटा एंड पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट अलोंग द वाई एक्सिस। आपका ग्राफ ऐसे स्ट्रेट लाइन है तो ये स्ट्रेट लाइन क्या इंडिकेट करती है? 1 मिनट बेटा, 1 मिनट वेट करिएगा, 1 मिनट बेटे वेट कर लीजिएगा। और साथ ही साथ हमारा जो है, अगर हम एक्स ले लें इन एक्सिस पे और टाइम हम इन एक्सिस पे ले लें ओरिजिन विद ये पॉइंट, और ये आपका ग्राफ बिल्कुल टाइम एक्सिस के ऊपर ही हो, देन बट द टू ग्राफ्स विद इंडिकेट क्या है? चीज भी सर, इन केसेस में बात करके देखें क्या मीनिंग है बेटे इन दोनों ग्राफ्स का। लेट अस कंसंट्रेट अपॉन दीस टू बेटा। पहला ग्राफ जो है आपका वेरी फर्स्ट वन, इसमें विद द पैसेज ऑफ टाइम आपका डिस्टेंस जो है ओरिजिन से वो सेम ही है। सो दिस वेरी फर्स्ट आपका जो एक्स टी ग्राफ है इट इज इंडिकेटिंग दैट द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट बेटा, और इस केस में आपकी ऑब्जेक्ट का ओरिजिन से कुछ डिस्टेंस है वो उतना ही रह रहा है, ये आपका ओरिजिन पे नहीं पड़ा। सेकंड केस में अगर आपका ग्राफ इस लाइन के ऊपर ही हो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, तो दैट विल इंडिकेट दैट कि आपका ऑब्जेक्ट जो है इट इज स्टिल एट रेस्ट बट ये आपका ओरिजिन पे पड़ा है विद द पैसेज ऑफ टाइम, ये वहीं का वहीं रह गया है, ये भी रेस्ट का ही, ये भी रेस्ट का ही, ये इंडिकेट कर देता कि आप ओरिजिन पे नहीं हो, आप ओरिजिन से थोड़े से डिस्टेंस पे हो। और सेकंड केस में आपका जो ग्राफ है दैट इज इंडिकेटिंग दैट कि आप ओरिजिन पे ही है। यस बेटा, अगर आप ये वर्टिकल एक्सिस हैं आपके, इन एक्सिस पे आप डिस्प्लेसमेंट ले लेते हो राइट, मैं वेक्टर डाल रहा हूँ इंडिकेट करने के लिए डिस्प्लेसमेंट को, इन एक्सिस पे आपने टाइम कंसिडर किया और आपका ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस है, ये इंडिकेट कर रहा है कि डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल सेम है, आप यहाँ पे डिस्टेंस की बात नहीं कर रहे हो, डिस्प्लेसमेंट कॉन्स्टेंट रह रही है विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो कैन यू गिव एनी एग्जाम्पल टू दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ सिचुएशन बेटा? यस बेटा, नहीं स्पीड तो कांस्टेंट हो गई आपकी, अगर आप स्पीड कांस्टेंट रखोगे तो आपका जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है वो ऐसा नहीं होगा और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी ऐसा नहीं होगा, इसमें सिर्फ ये इंडिकेट कर दिया गया है कि आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है इनिशियल और फाइनल पोजिशन में वो फिक्स है। यहाँ पे उन्होंने कहा कि आपका ऑब्जेक्ट जो है दैट इज बेटे एट रेस्ट, राइट बेटा। इसके साथ रिलेटेड एक छोटी सी बात और है जो मैं यहाँ पे जरूर करनी चाहूंगा, अगर आप ये वर्टिकल एक्सिस हैं आपके, इन पे आप अपना एक्स और इन हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आप पी कंसिडर कर लेते हो और आपका ग्राफ जो है इट इज स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड टू द टाइम एक्सिस ये, और यहाँ पे एंगल बन गया मान लीजिए थीटा, आपने ये वाले ए पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया टाइम एक्सिस पे, इसका नाम आपने बी रख दिया। इस केस में अगर आप ये जो ट्रायंगल देख रहे हो आपका ए ओ ए बी, लेट मी बेटा रब दिस पार्ट एंड देन डिस्कस, जब आप इस ट्रेंगल की बात करोगे, ट्रेंगल अंडर कंसिडरेशन इज ट्रेंगल ओ ए एंड बी, इस ट्रेंगल में आप इस ग्राफ का स्लोप निकालेंगे, जब आपको जो स्लोप है वेल नोन है कि ये टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा के बराबर हुआ करता है, और टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा किसके बराबर होगा?
it will be equal to the perpendicular AB upon the base OB beta. ये आपका आ जाएगा tangent of angle theta या slope. तो आप इसको ऐसे लिखते चले जाइए, स्लोप इट इज टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा ए बी. इसको अगर आप देखोगे तो ये सिंबॉलिक है डिस्टेंस कवर्ड का एक्स का, और ओ बी जो है इट इज टाइम. डिस्टेंस कवर्ड ओवर टाइम टेकन आपको स्पीड दे देता है. सो आप कह सकते हो कि स्लोप जो कि टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा के बराबर भी है, ये आपको बेटे जो स्पीड है ऑब्जेक्ट की वो स्पीड इंडिकेट कर देता है. अब कई बार मोशन हमारा यूनिफॉर्म नहीं होता, जैसे यहाँ पे ग्राफ में डिपेक्ट किया गया है कि जितने टाइम में आपका ऑब्जेक्ट इतना डिस्टेंस कवर करता है उतने टाइम में ही अगला डिस्टेंस कवर करता है, इंडिकेटिंग दैट की मोशन यूनिफॉर्म है. अगर मोशन बेटा यूनिफॉर्म ना हो, आई मीन टू से दैट कि आप ये वर्टिकल एक्सिस हैं, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, टाइम लिया इधर, डिस्टेंस कवर लिया, और ये ओरिजिन है आपका, और आपका ग्राफ कुछ इस तरीके का है. अगर आप इमेजिन करेंगे इस केस में, देखिए आपका हरेक पॉइंट पर ऑन द ग्राफ अगर आप पॉइंट्स मार्क कर लो तो हरेक पॉइंट पे आपका स्पीड अलग होगा. हम कैसे कह सकते हैं कि स्पीड अलग होगा? आप ये पॉइंट पी कह दो, ये पॉइंट को क्यू बोल दो, इस पॉइंट को आर कह दो. पी पॉइंट पे आपने टेंजेंट ड्रॉ किया इन दिस मैनर, और ये एंगल थीटा एट द पॉइंट पी आ गया, थीटा एंगल के लिए, पी एट द पॉइंट पी के लिए टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद. फिर आपने क्यू पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया, दिस इज द टेंजेंट ड्रॉन एट पॉइंट क्यू, ये एंगल आपका बन जाएगा थीटा एट क्यू. देन आपने आर पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया ये दिस वे, और ये आपका एंगल बन गया थीटा एट आर बेटे. आप अगर कंपैरिजन करें, एंगल थीटा एट पॉइंट आर जो है इट इज मोर देन द एंगल थीटा एट पॉइंट क्यू, इट इज मोर देन द एंगल थीटा एट पॉइंट पी. अगर मैं इन तीनों एंगल्स को इनके टेंजेंट्स के साथ मल्टीप्लाई कर दूं या रिप्लेस कर दूं, तो आई विल गेट दैट टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा एट पॉइंट आर is more than tangent of angle theta at point Q, is more than tangent of angle theta at point P, and tangent of angle theta हमें क्या देता है? Speed, slope, right beta? So you can say that beta, speed जो है ये R point पे सबसे ज्यादा है और Q पे उससे कम है, and P point पर सबसे कम speed आपके object की है. So in this manner आप ये डिफरेंट वे में भी इनको कंपेयर कर सकते हो, राइट बेटा? हाँ जी, हाँ जी, हाँ. नहीं बेटे, अगर आप स्पीड टाइम ग्राफ बना लोगे तो फिर सारे जो चीजें हैं वो बदल जाएंगे. आइए जरा स्पीड टाइम ग्राफ की भी बात करके देखें. रोल नंबर 11, यस बेटा बोलो. सर फिजिक्स की कोई प्रैक्टिकल फाइल है बेटे? जो लास्ट ईयर थी आप वही ले लीजिएगा. लास्ट ईयर किसकी? ये बेटे बच्चे प्राइम की बोल रहे हैं, प्रीमा के प्राइम कुछ, प्राइमा सॉरी, यस. इन्होंने वो मैडम ने आपकी केमिस्ट्री और बायो वाले ने की है, तो हम भी वही कंटिन्यू कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, राइट? सर तो कब तक भेजना है? हाँ सर, फाइल्स भेजनी है. आपने बना ली है? नो सर, सर मेरे को मटेरियल नहीं है फिजिक्स का. सर वो लैब मैनुअल में ही लिखा हुआ है सब कुछ. नहीं नहीं बेटे, आपको मैं एक बार इंस्ट्रक्शन दे के करवा तो दूँ, फिर ही आप करोगे ना, ऐसे जैसे आप भेज दोगे, राइट? ओके सर, एक बार मुझे समझाने दो, देन मैं आपको बताऊँगा फिर कैसे भेजना है. अभी रुक जाइए, अभी मैं, आप बिजी हैं, टेस्ट में बिजी हैं, इसलिए मैं आपको नहीं कह रहा था. द मोमेंट आपका जो टेस्ट का काम थोड़ा कम हो जाएगा तो मैं आपको फिर ये रिवाइज करने वाला, आपका जो है कंप्लीट करने के बाद एक दो हमारे एक्सपेरिमेंट्स हैं जो ऐसे ही हो जाएंगे,
जिम में हमें लैब के जाने की जरूरत नहीं पड़ती, तो वो मैं आपको करवा दूंगा। राइट बेटे, सो वी टी ग्राफ की बेटे आप बात कर रहे थे। वी टी ग्राफ में जैसे आप कह रहे थे कि आपका वेलोसिटी वर्टिकल एक्सिस पे है और आपका टाइम इन हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आपने लिया, राइट बेटा। और आपने कहा था कि ये जी पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, आप इसकी बात करना चाहते हो, यही कह रहे थे आप। इस केस में बेटे ये ग्राफ का मीनिंग कुछ और है, और जो आपका अदरवाइज ऑलरेडी डिस्कस्ड पार्ट है वो कुछ और था। एक्स टी ग्राफ मतलब इसमें थोड़ा सा देखिएगा, लेट दिस पॉइंट बी ए पॉइंट, लेट इट बी बी पॉइंट, और यहां से हमने सी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। तो अब हम बेटे क्या कर सकते हैं, इस केस में एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए बी सी निकाल के देखिए जरा। ये एरिया आपको दे देगा, ओ ए आपका ब्रेथ है एंड ओ सी आपका लेंथ है। देखते हैं बेटे क्या आता है, अभी ऐसे क्या कहें, ठीक है जी। सो आपका जो एरिया है, एरिया अंडर वी टी ग्राफ भी इसको मैं कह सकता हूं, दिस इज इक्वल टू ओ ए, ये आपका वेलोसिटी के बराबर है, ओ सी आपका टाइम के बराबर है। वेलोसिटी इनटू टाइम आपको डिस्टेंस कवर्ड अलोंग द स्ट्रेट लाइन दे देता है, सो दिस इज इक्वल टू बेटा यूअर डिस्टेंस कवर्ड। सो अगर आप बी टी ग्राफ लोगे तो बी टी ग्राफ जो है इसका एरिया अंडर द ग्राफ आपको दे देता है डिस्टेंस कवर्ड इन द स्ट्रेट लाइन। और अगर मैं स्लोप की टर्म्स में बात करूं, आइए वो भी आपको थोड़ा बता दूं। ये वर्टिकल एक्सिस है, इधर आपने वेलोसिटी कंसीडर की, हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, इधर आपने टाइम लिया, ये ओरिजिन है और आपका ग्राफ कुछ इस तरीके का है ये। अब आपने इस पॉइंट को ए पॉइंट कह दिया, ए पॉइंट से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, इसको बोल दिया बी, एंड दिस एंगल जो है इट हैज बीन मार्क्ड एज एंगल थीटा। इसमें अगर मैं इसका ग्राफ का स्लोप निकाल लूं तो स्लोप ऑफ दिस ग्राफ जो है इट इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा है, और वो आपका ए बी अपॉन ओ बी हो जाएगा। ए बी अगर आप देखो वर्टिकल एक्सिस पे, ये आपको वेलोसिटी दे देता है, और ओ बी आपको टाइम दे देता है। चेंज इन द वेलोसिटी या वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, ये आपको एक्सेलरेशन दे देगा बेटा। सो दैट विल मीन दैट कि आपका जो स्लोप है, स्लोप ऑफ बी टी ग्राफ जो है, ये आपको एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इंडिकेट कर देता है। इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं बोलूं तो दो इंपॉर्टेंस हैं आपके बी टी ग्राफ की। पहला इंपॉर्टेंस है कि अगर आप एरिया निकाल लोगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर, तो वो एरिया आपको डिस्टेंस कवर्ड दे देता है। सेकेंड सिचुएशन में अगर आप अपने वेलोसिटी टाइम ग्राफ का बेटा स्लोप निकाल लोगे, वो आपको दे देगा एक्सेलरेशन। और अदरवाइज अगर हम कंपैरिजन करें वी टी एंड एक्स टी ग्राफ का, एक्स टी ग्राफ में आपका स्लोप ऑफ द एक्स टी ग्राफ आपको स्पीड देता है, और एरिया अंडर दैट हमने नहीं निकाला था, वो कुछ नहीं देता, राइट। इधर अगर बात करें, स्लोप ऑफ द बी टी ग्राफ हमें एक्सेलरेशन दे देता है, सेकेंडली इसके अंडर एरिया आपको दे देता है डिस्टेंस कवर इन द स्ट्रेट लाइन। तो ये दो इनकी आपके जो ग्राफ्स हैं इनकी इंपॉर्टेंस है बेटा, इनको आपने ध्यान में रख के ये सारा काम कंप्लीट कर, राइट बेटा। कोई और पॉइंट आपका हो तो बताइए, बेस्ट, एवरीथिंग इज क्लियर बेटा, बोलिए। चलिए देन एक मैं, हाँ कुछ है तो बताओ बेटे, एक मैं न्यूमेरिकल देता हूं फिर आपको, आप करके दिखाइएगा देन। एंगुलर, उसमें कौन सी चीज नहीं पता चली बेटा, ओके बेटे थोड़ा सा सर्कुलर मोशन भी समझ लीजिए पहले।
यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. बेटे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, हाँ जी बेटे, आप एक सर्कुलर ट्रैक इमेजिन कर लेते हैं. दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कुलर ट्रैक. ये ओ पॉइंट है, ये रेडियस है सर्कुलर ट्रैक का, दिस इज पॉइंट ए. आपका ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से मूव करना स्टार्ट करता है एंड इट रीचेस से अप टू पॉइंट बी, और इसको टाइम लग गया टी सेकंड्स के बराबर का, और इसने ए से लेकर बी तक एस के बराबर का डिस्टेंस कवर किया, और एंगल यहां पे बन गया थीटा. जो इनिशियल और फाइनल पोजीशंस सेंटर ऑफ द सर्कुलर ट्रैक पे एंगल बनाती हैं, दिस इज कॉल्ड बी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है इट इज डिनोटेड बाय थीटा एंड इज द एंगल विच द इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट मेक्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल. राइट बेटा, इसका मीनिंग ये हुआ कि ये आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा जो है इट इज इक्वल टू आर्क लेंथ आपका ए बी के बराबर का है डिवाइडेड बाय रेडियस, आप इसको बोल सकते हो, और ये आपका रेडियन पर सेकंड में मेजर किया जाता है, या ये डिग्री पर सेकंड में मेजर किया जाता है, ये यूनिट्स है इसके बेटा. सॉरी, पर सेकंड नहीं, ओनली रेडियन और डिग्री. ये पर सेकंड नहीं इसके साथ आएगा, वो एंगुलर वेलोसिटी के साथ आएगा. आइए वो भी आपको कंसेप्ट बता दूं, एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है. ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट था बेटा. एंगुलर वेलोसिटी आप इसको ओमेगा से डिनोट करते हैं, दिस इज द लेटर कॉल्ड ओमेगा. एंगुलर वेलोसिटी जो होती है इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा थीटा ओवर टी आ गया बेटा. अगर आपका थीटा रेडियन में है तो इट विल बी इन रेडियन पर सेकंड, अगर थीटा आपका डिग्रीज में है तो इट विल बी डिग्री पर सेकंड. राइट बेटा. और तीसरी इंपॉर्टेंट बात हमारी है, दैट इज बेटा एंगुलर एक्सेलरेशन. अल्फा से आप इसको डिनोट करते हो, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी. इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी. राइट बेटा, इसको आप अल्फा से डिनोट करोगे, इट विल बी ओमेगा बाई टी. ओमेगा आपका रेडियन पर सेकेंड्स में है तो इट विल बी रेडियन पर सेकेंड स्क्वेयर, या इट विल बी डिग्री पर सेकेंड स्क्वेयर. ये इसके बेटा पॉसिबल यूनिट्स हो. राइट बेटा, कोई बात नहीं समझ में आई या नहीं पता चली तो पूछिए. देखिए बेटा एक बार, लेट अस सी हाउ द एंगुलर एंड लीनियर वेलोसिटीज आर रिलेटेड. ये क्लियर हो गया सबको बेटा, एंगुलर एंड लीनियर वेलोसिटी में रिलेशनशिप भी देखो जरा. हेडिंग लिख लो, आप थोड़ा लिख लो साथ साथ. दिस इज पॉइंट बी,
रिलेशन शिप बिटवीन लीनियर विलोसिटी एंड एंगुलर विलोसिटी। लीनियर और एंगुलर विलोसिटीज कैसे रिलेटेड हैं ये हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। एंगुलर विलोसिटी को ओमेगा से डिनोट करते हैं, लीनियर विलोसिटी को आप ऑलरेडी वी से कर चुकी हो बेटा। ये दोनों कैसे रिलेटेड हैं, दिस इज व्हाट वी आर प्रेजेंटली गोइंग टू परफॉर्म। इसमें थोड़ा सा यहाँ पे देखो, सेंटर पे जो एंगल बना है थीटा, इसको आपने बोला था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, है ना बेटा। एंड इट इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द आर्क ए बी डिवाइडेड बाय रेडियस, आपने कहा हुआ है ऑलरेडी। ये ए बी आर्क का लेंथ है, इसको रेडियस से डिवाइड कर दिया, आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बन गया या एंगल बन गया, राइट। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा आपने अभी अभी कहा कि इट इज थीटा अपॉन टी, राइट। ये वाला थीटा का वैल्यू मैं अगर यहां पुट कर दूं इक्वेशन नंबर टू में, वन से टू में अगर पुट कर दूं मैं थीटा की वैल्यू, आई मस्ट बी हैविंग दैट ओमेगा इट इज इक्वल टू थीटा आपका था बेटे ए बी आर डिवाइडेड बाई आर, ये था थीटा की जगह पर टी साथ में आ गया। ए से लेकर बी तक आर्क की लेंथ को आप ऑलरेडी एस बोल चुके हो, डिस्टेंस एस बोल चुके हो ना बेटा। सो ओमेगा विल बी इक्वल टू एस अपॉन आर इंटू टी कर लें, ऐसे हो सकता है ना। और ओमेगा इट इज इक्वल टू वन अपॉन आर एंड एस अपॉन टी कर लें, ऐसे भी हो सकता है। डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन क्या होता है, इट इज स्पीड, राइट। सो ओमेगा बन गया वन अपॉन आर इंटू वी, इसको आप इस तरफ शिफ्ट कर लीजिए या क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, यू विल गेट दैट वी इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा। सो दिस इज हाउ योर वेलोसिटी लीनियर एंड एंगुलर दीज आर रिलेटेड टू ईच अदर। क्लियर टू ऑल बेटा? हाँ जी, लिखो 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 बेटा। Calculate the angular velocity of the minutes hand of a clock. Calculate the angular velocity of the minutes hand of a clock. Statement बच्चों लिख लीजिए। Calculate the angular velocity of the minutes hand of a clock. Minutes hand बेटे होती है आपकी जो 60 minutes में पूरे का पूरा आपका जो है dial का एक चक्कर complete कर लेती है। एंगुलर वेलोसिटी को आप ओमेगा कह चुकी हो, इट इज थीटा अपॉन टी हो गया। देन आपका जो मिनट सेंड है ये जब पूरा चक्कर कंप्लीट कर लेता है एक घड़ी का तो कितना एंगल ट्रेस करता है बेटा, इट इज इक्वल टू 2π रेडियन भी कह सकते हो आप या 360 डिग्री भी कह सकते हो। ये दोनों कैसे रिलेटेड है आपको आता है ना, कैसे रिलेटेड है? एक मिनट पहले ये देखो, फिर आपको वो भी समझाता हूं। ओमेगा आपका आ गया 2π रेडियन डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड टी, आपकी जो मिनट सेंड है ये 60 मिनट्स का टाइम लेती है, इतने सेकंड्स बन गए बेटा, सो मैनी रेडियन पर सेकंड हो गया, ये 60 मिनट्स के सेकंड बना लिए ना हमने। जो आपकी मिनटों वाली सुई है घड़ी वाली, वो 60 मिनट्स में एक चक्कर कंप्लीट किया उसने, तो 60 मिनट्स में सेकंड्स कितने बने, इतने, अरे इतने बने, तो वो तो कर ही लेंगे, ऐसे नहीं करेंगे पहले हम। तो ओमेगा विल बी पाई बाई 1800 रेडियन पर सेकंड, राइट बेटा। अब ऐसे ही आप आर सेकंड का भी निकाल सकते हो एंड सेकंड सेकंड का भी निकाल सकते हो। रोल नंबर 11 फिर कुछ कहना चाहता है। हाँ जी,
सेम कैसे टाइम बदलेगा? जो टाइम में चेंज आएगा, अगर टाइम बदलेगा तो ऑटोमेटिकली सारा कुछ बदलता जाएगा। बोलो बेटा 11 रोल नंबर। सर जो आपने रिलेशन बताया उस जो आपने उसका रिलेशन बताया था ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी का, सर उसमें आपने जब उसमें 1 में 2 डाला था तो उसमें एंगल थीटा तो डाला ही नहीं। क्या 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 जो सर जो ओमेगा इक्वल्स टू एंगल थीटा बाय टी है उसमें जब हमने 1 में 2 पुट किया तो उसमें एंगल थीटा तो था ही नहीं। ये थीटा ही तो है, थीटा अपॉन टी है, ये थीटा आपका आर अपॉन रेडियस है, तो ये थीटा की जगह पे ये पुट कर दिया ए बी अपॉन आर, इसकी जगह पे ये रख दो ना तो यू विल ऑटोमेटिकली गेट इट। ओके सर कौन सी चीज ये न्यूमेरिकल देख लो एक बार दोबारा देखिए, आपको मिनट्स एंड ऑफ द क्लॉक जो है उसकी एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है, मिनट्स एंड का आपने चेक किया, आपकी एनसी एक मिनट बेटा, आपकी जो एनसीईआरटी वाली बुक है उसमें एंड में देखो सर्कुलर मोशन और उसके साथ रिलेटेड न्यूमेरिकल हैं, बैठे रहिए हाँ पता है ना, फिर ये उसी में आता है ये, बस ये देखो ना लिसन यस हाँ नो प्रॉब्लम बेटे, अगर आपको लगता है कि ये आपके आपने आपके सिलेबस में नए में डिलीटेड है तो आप छोड़ सकते हो, अदरवाइज मैं जरूर करवाता हूँ बिकॉज इसकी हमें बहुत जरूरत पड़ती है आगे चल राइट। आइए आगे चलें, आपको आपको समझ आ रही गुड़िया ये प्रॉब्लम की न्यूमेरिकल की नहीं हाँ ये कह रहे हो आप ये न्यूमेरिकल ही है वो नहीं, ये इसमें देखो आपका जो मिनट्स एंड है इसने एंगल तो बना दिया इतना या इतना और इसको टाइम लग गया था 60 मिनट्स का, ये 60 मिनट्स के आपने सेकंड बना लिए, इसको थोड़ा सा आपने फिर बेटे जो फैक्टर्स कट हो रहे हैं इनको कट कर दिया और तो कुछ भी नहीं किया। अगर आप आर सेंड की निकालना चाहते हो आर सेंड के लिए आप ऐसे कर सकते हो, आर सेंड आपका जो है इसमें ओमेगा आ जाएगा थीटा अपॉन टी, इट विल बी 2 पाई रेडियन और टी आपके पास आ जाएगा 24 आवर्स में, एक चक्कर कंप्लीट करता है वो 24 आवर्स में कि 12 आवर्स में, 12 आवर्स में इतने मिनट्स और इतने सेकंड्स बन गए, 12 आवर्स इतने मिनट्स एंड इतने सेकंड्स हो गए, सो ओमेगा जो है इट विल बी इक्वल टू ये आपका 6 आ गया पाई अपॉन सो मैनी रेडियन पर सेकंड राइट। कोई और बात ना पता चली हो तो पूछ लीजिए यस लगा सकते हैं बिल्कुल लगा सकते हैं, अब मैं यही आपसे राधर पूछ भी रहा था कि यू नो द रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री एंड रेडियन और नॉट, ये कैसे रिलेटेड है आपको पता है कि नहीं पता? अगर बेटे नहीं पता बता दो मैं एक मिनट में करवा देता हूं, अगर पता है तो अच्छी बात है। ध्यान दो फिर एक मिनट के लिए, हेडिंग लिख लो रिलेशनशिप बिटवीन एंगुलर डिग्री एंड रेडियन, रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री एंड रेडियन लिखो जल्दी से बेटा, डिग्री एंड रेडियन, ए पॉइंट से आपका कोई ऑब्जेक्ट स्टार्ट हुआ ये पूरा चक्कर कंप्लीट करके वापस ए पे आ गए, कितना एंगल बनाया इसने 360 डिग्री राइट, और अगर मैं मान लू ए से स्टार्ट हुआ तो आर्क की लेंथ कितनी हो गई
आर की लेंथ कितनी हुई, यहां से यहां तक तो आर की लेंथ इतनी थी, पूरे चक्कर में लेंथ कितनी हो गई आर की, लेंथ कह रहा हूं 2πr सर्कमफ्रेंस के बराबर नहीं हुई, तो आप लिख सकते हो कि आपका एंगल जो है इट इज द लेंथ ऑफ द आर्क अपॉन रेडियस, लिख सकते हो लेंथ ऑफ द आर्क कितना था 2πr अपॉन r, ठीक है ये r से r कट गया एंड दिस इज इक्वल टू 2π रेडियन में आ गया, इधर ये डिग्री में ऑलरेडी है, इनको कंपेयर कर दीजिए 2π रेडियन दिस इज 360 डिग्री एंड 1 रेडियन 360 अपॉन 2π डिग्री इट इज 180 1 रेडियन 180 22/7 डिग्रीज राइट। ये आ गया ये आ गया 1 रेडियन बन गया 57.26 डिग्री या 1 रेडियन 57.3 डिग्री भी कह सकते हो। राइट दिस इज ऑल योर डिग्री एंड रेडियन आपस में रिलेटेड हैं। अगर आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिग्रीज में दी हुई है आप रेडियन में कैलकुलेट कर सकते हो, अगर रेडियन में दी हुई है तो आप डिग्रीज में कैलकुलेट कर सकते हो, तो अकॉर्डिंगली यू शुड बी एबल टू मैनेज द थिंग्स। राइट बेटा कोई और पॉइंट है आपका तो जरूर बताइए, आई विल एक्सप्लेन दैट ऑल्सो। हाँ जी ये 57.26 है ना बेटे, लिसन ये आप डिजिट छोड़ रहे हो, मेरी बात याद रखना, अगर ये नंबर जिसको आप छोड़ रहे हो ये 5 से बड़ा हो तो पहले वाला डिजिट एक बढ़ा दिया जाता है, अगर 5 से कम हो तो उसको ऐसे देने दिया जाता है, इसको बोल देते हैं कि राउंड ऑफ करना, एस्टीमेट नहीं राउंड ऑफ करना। राइट बेटा ठीक तो है, तो ये 2 का 3 हो तो क्या। राइट बेटा यस कौन सा बोलो, कौन सा कह रहे स्टेटमेंट बोलो इसे ऐसे ही। चलिए बेटा इसके बाद में बात करते हैं, थैंक यू ऑल बेटा, वेल हैज गॉन, आपके नेक्स्ट पीरियड का टाइम हो रहा है, थैंक यू।